साथियों नमस्कार। हमारे चैनल रमन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कठिन शब्दों को लिखने और पढ़ने का अभ्यास करें। यहाँ पर हमने कुछ कठिन और बड़े बड़े शब्द लिखे हैं, जिनको हम पहले पढ़ेंगे और फिर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो पहला शब्द हमारा है खिलखिलाहट। खिलखिलाहट एक बड़ा शब्द है। इस शब्द को हमने तीन भागों में बांटा है ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो सके। पहला भाग है खिल, फिर खिला और हट। इनको पहले हम अलग अलग पढ़ेंगे, बाद में इकट्ठा पढ़ेंगे और फिर इस शब्द को लिखने का अभ्यास करेंगे। तो पढ़ेंगे, ये पहले लिखा है खिलखिलाहट, अब इसको हम पढ़ेंगे। पहले खिल खिलाहट, खिल खिलाहट, खिल खिलाहट, इकट्ठा पढ़ देंगे खिलखिलाहट। ठीक है, तो आइए अब हम लिख कर देख लेते हैं। ख ख में छोटी की मात्रा, क्योंकि खिल खि थोड़ी देर तक पढ़ा गया तो इसलिए खि और ल खिल। ठीक है, फिर ख में छोटी की मात्रा, क्योंकि फिर से खा थोड़ी देर तक खि पढ़ा गया, खिल खिला। और ला ला में बढ़िया की मात्रा, क्योंकि ला देर तक पढ़ा गया, खिला खिल खिला हट। हा और टा हट, कोई मात्रा नहीं हट में, तो हो गया खिल खिला हट। खिल खिला हट माने होता है तेजी से हंसने की आवाज। अगला शब्द हमारा है खुद मुख्तियारी। ठीक है, खुद मुख्तियारी को हमने तीन भागों में बांटा है ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो सके। तो है खुद मुख्तियारी, खुद मुख तैयारी, इकट्ठा पढ़ देंगे खुद मुख तैयारी। पहले हम अलग अलग भागों में पढ़ेंगे फिर इकट्ठा पढ़ देंगे खुद मुख तैयारी। आइए अब हम लिखकर भी देख लेते हैं, समझ लेते हैं। खुद खा में छोटे उ की मात्रा लिखी जाएगी, क्योंकि खुद लिखा हुआ है। खुद लिखा होता तो बड़े उ की मात्रा लिखी जाती, लिखा है खुद तो छोटे उ की मात्रा रहेगी। ख में छोटे उ की मात्रा, खुद खुद। मुख माँ में भी छोटे उ की मात्रा रहेगी, क्यों मुख है छोटा उ मुख। यदि होता मुख तो बड़े उ की मात्रा होती, है मुख तो छोटे उ की मात्रा मुख। खुद मुख तैयारी, आधा ता या में बड़े की मात्रा और रा रा में बड़ी की मात्रा, यारी। खुद मुख तैयारी, ठीक है। खुद मुख तैयारी का अर्थ होता है स्वयं का मालिकाना। अगला शब्द हमारा है खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला भी बड़ा शब्द है और कुछ कठिन जैसा भी है। इस शब्द को हमने तीन भागों में बांटा है ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो सके। दो भागों में बांटा है, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला, खुल्लम खुल्ला, इकट्ठा पढ़ देंगे। आइए अब हम लिखकर समझ लेते हैं। ख ख में छोटे उ की मात्रा, क्योंकि खु कम समय के लिए पढ़ा गया, खु। यदि खू होता खुल्लम तो बड़े उ की मात्रा लिखी जाती, है खुल्लम, यानी कम देर तक उच्चारण है खुल्लम। तो खु आधा ला, फिर ला पूरा और माँ खुल्लम, फिर खुल्ला, फिर खा में छोटे उ की मात्रा रहेगी, क्यों खुल्ला कम देर तक खूब बोला गया। ला ला में बड़े की मात्रा, ला खुल्लम खुल्ला। खुल्लम खुल्ला का अर्थ होता है सरेआम, यानी सबके सामने। अगला शब्द हमारा है खुश किस्मत। खुश किस्मत, खुश किस्मत को हमने दो भागों में लिखा है। खुश किस्मत, खुश किस्मत, खुश किस्मत, इकट्ठा पढ़ देंगे। आइए हम लिखना सीखें अब खुश किस्मत को। ख ख में छोटे उ की मात्रा, क्योंकि खुश कम समय तक खु बोला गया, ठीक है, खुश। और श खुश किस्मत, का में छोटी की मात्रा लिखी जाएगी, किस्मत, ठीक है, क्योंकि कि बहुत कम देर तक बोला गया, किस्मत। किस्मत होता तो बड़ी की मात्रा होती, और यहाँ की किस्मत है तो छोटी की मात्रा रहेगी। तो को का में छोटी की मात्रा, की आधा सा मत, खुश किस्मत, ठीक। खुश किस्मत हो माने होता है भाग्यशाली, अच्छे नसीब वाला, भाग्यशाली, खुश किस्मत, ठीक। अगला शब्द हमारा है खुश मिजाजी। खुश मिजाज, खुश मिजाज, ठीक है। इसको दो भागों में बांटा हमने, दो भागों में पढ़ लेते हैं, बाद में इकट्ठा पढ़ देंगे। खुश मिजाज, खुश
खुश मिजाज, इकट्ठा पढ़ देंगे, खुश मिजाज, खुश मिजाज को लिख लेते हैं। ख, ख में छोटे उ की मात्रा और श, खुश, जैसा कि हमने पहले ही बताया, ख में छोटे उ की मात्रा, जब भी खुश लिखेंगे तो छोटे उ की मात्रा लिखेंगे। खुश मिजाज, मी, माँ में छोटे की मात्रा मी, खुश मी, ज, जा में बड़िया की मात्रा जा, ज, कम देर तक बोला गया ज, तो कोई मात्रा नहीं। खुश मिजाज, खुश मिजाज माने होता है हंसमुख। अगला शब्द हमारा है गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट एक बड़ा शब्द है, कठिन तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो इसको हमने तीन भागों में बांट दिया है और बहुत ही आसान हो गया है हमारा पढ़ना तीन भागों में बांटने से। गढ़, गड़ा, गढ़ एकदम छोटा शब्द है, कोई भी पढ़ सकता है। गड़ा, गड़ा बहुत छोटा शब्द है, कोई भी पढ़ सकता है। गड़ा हट, हट हट वो भी बहुत छोटा शब्द है, हर कोई पढ़ सकता है। तो इन शब्दों को पहले अलग अलग पढ़ेंगे, फिर इकट्ठा पढ़ देंगे, बड़ा शब्द निकल आएगा हमारा। गड़गड़ाहट, 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 गड़गड़ाहट इकट्ठा पढ़ दिया। तो आइए अब हम लिख लेते हैं गड़गड़ाहट को। गड़ा, गड़, गड़ा, गड़ा में बड़े की मात्रा अड़ा, गड़गड़ाहट, हट, गड़गड़ाहट। गड़गड़ाहट का अर्थ होता है टूटने या गरजने की आवाज, यानी कि बादल गरजने की आवाज या कोई चीज टूटने की आवाज, जैसे गिरने की आती है तो गड़गड़ाहट आवाज आती है, इसी तरह से। अगला शब्द हमारा है गणतंत्र। गणतंत्र को भी हमने दो भागों में बांटा है ताकि हमको पढ़ना आसान हो जाए। गणतंत्र, यहाँ पे हम लिखा गण, फिर लिखा तंत्र, पढ़ेंगे हम गण तंत्र, गणतंत्र इकट्ठा पढ़ देंगे गणतंत्र, ठीक है। गणतंत्र को लिखते हैं हम ग और अणा गण, त अधना और त्र, गणतंत्र। गणतंत्र माने होता है चुनाव शासन की व्यवस्था, यानी कि जो प्रतिनिधि चुनकर हम भेजते हैं वो शासन करता है, इसे गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। अगला शब्द हमारा है गमनागमन। गमनागमन कठिन तो नहीं है लेकिन कुछ बड़ा शब्द हमको लगा तो हमने कहा आपको बता दें। गमनागमन को भी हमने दो भागों में बांटा है, बहुत ही आसान हो गया है भागों में बांटने से पढ़ना। लिखेंगे गमना, गमना, गमन, गमन, गमना, गमन, गमना, गमन, इकट्ठा पढ़ देंगे गमनागमन, ठीक है। गमनागमन को लिखने का लिखना सीखें। गमना, ग, म, गम, न, न में बढ़िया की मात्रा ना, गमना, गमन, गमन, गमना, गमन, ठीक है। गमना गमन का अर्थ होता है आना जाना, यानी यातायात। अगला शब्द हमारा है गलत बयानी। गलत बयानी भी कुछ बड़ा शब्द है, इस शब्द को भी हमने दो भागों में बांटा है पढ़ना आसान करने के लिए, तो आइए पढ़ लेते हैं। गलत बयानी, गलत बयानी, इकट्ठा पढ़ देंगे गलत बयानी, ठीक है। यहाँ पर नी देर तक बोला गया है तो बड़ी की मात्रा लिखी जाएगी, जैसे कि हमने लिखी है, तो आइए लिखना भी सीख लेते हैं। गलत है, बहुत सरल शब्द है गलत, ग ल, तो गलत। अब लिखना हमको बयानी, या देर तक बोला गया तो बड़िया की मात्रा, नी देर तक बोली गई तो बड़ी की मात्रा, बयानी। ब, कम देर तक बोला गया, कोई मात्रा नहीं, ब, या, नी, गलत बयानी, ठीक है। अगला शब्द हमारा है गुंजायमान। गुंजायमान, तो गुंजायमान को भी हमने दो शब्दों में बांट दिया है, छोटे छोटे शब्दों में, आइए पढ़ लेते हैं। गुंजायमान, गुंजाय मान, इकट्ठा पढ़ देंगे गुंजायमान, ठीक है। गुंजायमान को लिखने का अभ्यास करें, लिखें ग, ग में छोटे की मात्रा गु, आधाना गुन, जा, जा में बड़े की मात्रा जा, गुंजा य, गुंजाय मान, मा, मा में बड़े की मात्रा मा और न, मान, गुंजायमान, ठीक है। गुंजायमान का अर्थ होता है गूंजना, जैसे गूंज होती है, गूंजना, कोई आवाज की गूंज होती है, इसी तरह से गुंजायमान, ठीक है। अगला शब्द हमारा है
गुणातीत, गुणातीत ये भी कुछ बड़ा शब्द है। इस शब्द को हमने दो भागों में बांट दिया है तो पढ़ना बहुत आसान हो गया है। गुणातीत, गुणातीत इकट्ठा पढ़ देंगे, गुणातीत। ठीक है, आइए लिख लेते हैं गुणातीत को। ग, ग में छोटे उ की मात्रा गु, अड़ा में बड़े अ की मात्रा अ, गुणातीत। त, त में बड़ी की मात्रा और त, गुणातीत। ठीक है, गुणातीत का अर्थ होता है सर्वगुण संपन्न, गुणातीत। अगला शब्द हमारा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को भी हमने दो भागों में बांटा है तो आइए पढ़ना सीख लेते हैं गुरुत्वाकर्षण को। पहले पढ़ेंगे पहला भाग गुरुत्वा, गुरुत्वा याद आता है, आप समझ रहे होंगे। गुरुत्वा, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण को लिख लेते हैं। ग, ग में छोटे उ की मात्रा गु, र में छोटे उ की मात्रा रु, गुरु आदत्ता और वा गुरुत्वा, क, श और ऊपर र जो कि यहाँ पढ़ा जाएगा का के आगे सा से पहले, गुरुत्वाकर्षण हो गया है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं वजन के कारण, यानी कि पृथ्वी पर, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है किसी चीज को वजन के कारण, भार के कारण पृथ्वी को अपनी ओर खींचना, पृथ्वी किसी चीज को अपनी ओर खींचती है उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अगला शब्द हमारा है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कहते हैं रसगुल्ला के लिए, और मुंह में पानी भी आ गया है गुलाब जामुन के नाम से, क्योंकि हमको गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते हैं, आपको भी अच्छे लगते होंगे शायद। जिन 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 भाइयों को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं कमेंट्स में लिख देना, ठीक है, और गुलाब जामुन ही लिख देना, यहाँ पर देख के लिख देना गुलाब जामुन। अगर आप नहीं लिख पाते हैं, जो भाई हमारा लिख लेते हैं वो लिख दें, जो भाई नहीं लिख पाते हैं अभी वो देख देख कर लिख दें, कोई बात नहीं है। तो लिखेंगे गुलाब जामुन, ठीक है, गुलाब जामुन पहले पढ़ लेंगे। गुलाब जामुन शब्द को भी हमने दो भागों में बांटा है ताकि पढ़ना आसान हो जाए। पढ़ेंगे गुलाब, गुलाब, गा में छोटे उ की मात्रा इसीलिए कि कम देर तक गु बोला जा रहा है, ठीक है। तो गुलाब जामुन, जा में बड़े अ की मात्रा, जा देर तक, जामुन, माँ में छोटे उ की मात्रा क्योंकि कम देर के लिए, मुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। यहाँ पर इस शब्द में दो बड़े अ की मात्रा है, ला में और जा में, इसलिए इनको देर तक बोला जा रहा है, गुलाब जामुन। ठीक है, तो गुलाब जामुन को लिखना समझ लेते हैं हम। ग, ग में छोटे उ की मात्रा गु, ला, ला में बड़े अ की मात्रा ला, गुला, और ब, गुलाब जामुन, जा, जा में बड़े अ की मात्रा जा, फिर माँ, माँ में छोटे की मात्रा मु और न, जामुन, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कहते हैं रसगुल्ला के लिए, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको। अगला शब्द हमारा है गौरवशाली, गौरवशाली, गौरवशाली शब्द को भी हमने दो भागों में बांटा है, पढ़ना आसान हो जाए इसलिए। तो पढ़ेंगे हम गौरवशाली, सब में बड़े की मात्रा शा, ला में बड़े की मात्रा ली, शाली, गौरवशाली। गौरवशाली को लिखना समझेंगे हम। ग, ग में औ की मात्रा गौ, र व रब, गौरवशाली, शा, शा में बड़े की मात्रा ला, ला में बड़ी की मात्रा गौरवशाली। गौरवशाली का अर्थ होता है यशस्वी, ठीक है, प्रतिष्ठित। अगला शब्द हमारा है ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश को भी हमने दो भागों में बांटा है, आइए पढ़ लेते हैं पहले। ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश, ग्रीष्मावकाश इकट्ठा बोल देंगे ग्रीष्मावकाश। आइए ग्रीष्मावकाश शब्द को लिखने का अभ्यास कर लेते हैं, पढ़ लिख लेते हैं।
गा में पदेन्द्रा बड़ी ई हो गया ग्री आदश और मा मा में बड़े की मात्रा ग्रीष्मा और बात ग्रीष्मा वा वा लिखेंगे वा का में बड़े की मात्रा का और शु ग्रीष्मावकाश। ग्रीष्मावकाश माने होता है गर्मियों की छुट्टी। ठीक है तो दोस्तों यह था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने हिंदी के कठिन शब्दों को लिखना और पढ़ना सीखा और उनके अर्थ भी समझे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे से वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जिन साथियों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे साथी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो देखें, क्योंकि हमने अपने वीडियो में आपको बहुत ही सरल और बहुत ही व्यवहारिक तरीके से हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया है। तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिंदी।